गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज तिलक से एक दिन पहले का दिन था और यहाँ पर हम सब बहनें मिल गई हैं। मिलकर हम लोग बहुत हंसी मजाक कर रहे थे और पता है आपको, काम तो इतना सारा था, मैं आपको क्या कहूँ। मतलब अब मुझे समझ आ रहा है ना कि शादी में एंजॉय ना केवल हम दूसरे घरों में करते हैं, अपने घर में तो सारा टाइम काम करने में ही निकल जाता है। और इतना काम किया ना मैंने, मैं आपको क्या बताऊँ। एट द सेम टाइम हमें आज यहाँ वाला रूम भी खाली करना था क्योंकि अब कोई यहाँ पर रहेगा नहीं, तो यहाँ पर जितने भी सामान है वो सबको हमें ऑर्गेनाइज करके बाहर ले जाना था। तो अभी ना हम वही सब कर रहे थे। हे फ्रेंड्स, देखिए अभी ना आज हम लोगों को इस रूम को खाली करना है। तो इस रूम में हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी। तो ये एक फोटो फ्रेम है, ये बीच में ये दीदी है, ये इनकी शादी की फोटो है और यहाँ पे मैं हूँ और यहाँ पर मेरी बहन है। हम तीनों का ये था फोटो फ्रेम। और इसके अलावा मेरे पास और भी बहुत सारा है, जैसे ये वाला, ये सब हमें टीचर्स डे में मिलता था। तो इसमें मैं और मेरी बहन हूँ, हम सब साथ में रहते थे ना, तो हमारी बहुत सारी यादें हैं। फिर ये भी है एक हमारे पास, इसमें मैं हूँ ये जिसने हैट पहना है और ये मेरी बहन है। तो ये भी हमारे पास है, बहुत सारी चीजें। आप सबको पैक करके हमें इस रूम को खाली भी करना है और फिर शादी में भी जाना है। आप सबको तो पता ही है कि एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दिया गया और बहुत लोग पूछ रहे थे मेरे से कि दी आप कौन सा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हो उसके बारे में बताओ। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं किरण की बुक सॉल्व करती हूँ। और अभी ना प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे ना हमें पता चलेगा कि हमारे वीकेंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, हम 2 घंटे बैठ के पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। ये हैबिट हमें एक डेवलप करनी चाहिए। मतलब अगर एग्ज़ाम से पहले हम 10 सेट ऐसा लगा लेते हैं जिसमें हमें एग्ज़ाम वाली फीलिंग आए, तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप चाहे 1 to 5th के प्रिपरेशन कर रहे हो या 6 to 8th की प्रिपरेशन कर रहे हो, किरण पब्लिकेशन की बुक ना अवेलेबल है और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी क्योंकि आप में से बहुत लोग कहते हैं कि लिंक दीदी हमें प्रोवाइड कर दो। इसके बाद मैं यहाँ पर मार्केट जा रही थी, मैं और दीदी, हम दोनों को ना बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह खरीदने थे जो हम तिलक पे चढ़ाते हैं ना, वो सब। और मैं आपको क्या बताऊँ, इतने दिनों के बाद स्कूटी चला के आई, मीन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। घर में रहती हूँ ना जब ससुराल में, तो वहाँ तो एकदम बंद रहती हूँ और जब यहाँ आई हूँ ना तो मुझे लग रहा है कि मैं पहले घूम लूँ, बाहर का सारा काम मैं खुद करूँ। मतलब ये फीलिंग मुझे आ रही है। और पहले मुझे लगता था कि मुझे घर में ही रहने दो, पढ़ाई करने दो, और अब ना मैं उस लाइफ स्टाइल से बोर हो गई हूँ। तो यहाँ पर मैं और दीदी, हम दोनों मिलकर कुछ फ्रूट्स ले रहे थे। हमारे यहाँ तिलक में मतलब मिठाइयाँ और 5 टाइप के फल जाते हैं, आपके यहाँ क्या जाता है आप बताइएगा। और इसके अलावा जो भी होता है बर्तन वगैरह जो हम लोग देते हैं, पीतल सेट, स्टील सेट, ये सब जाता है। तो आप में से भी बताइएगा कि आप लोग और क्या क्या भेजते हैं। यहाँ पर काम तो बहुत ज़्यादा है लेकिन पता है एंजॉयमेंट उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि पता है हम तीनों जहाँ पर भी होते हैं ना, हम तीनों बहुत हंसते हैं, बहुत फन करते हैं एक दूसरे के साथ और इतना मज़ा आता है ना। अगर कभी आप हमारी रॉ वीडियो सुनेंगे ना तो आपको बहुत ही ज़्यादा हंसी आएगी। मैं कोशिश करूँगी कि कभी मैं रॉ वीडियो आपके लिए डाल दूँ, इससे आपको भी थोड़ा मज़ा आएगा। और अभी हम जब फ्रूट्स अरेंज कर रहे थे ना, तो पता है हम क्या कर रहे थे, जो थोड़ा सा भी फ्रूट मतलब जिसमें थोड़ा दाग लगा हुआ है, थोड़ा सा ख़राब है, उसको हम नीचे डाल दे रहे थे और अच्छे अच्छे सारे फ्रूट्स को हम ऊपर रख रहे थे। इतने दिनों के बाद फैमिली से मिलने की खुशी क्या होती है, मैं आपको क्या बताऊँ। इतना अच्छा लग रहा था ना, अंदर से एकदम एंजॉयमेंट वाली फीलिंग हो रही है। अब ऐसे में पढ़ाई कैसे करेंगे इसका मुझे कुछ पता नहीं है। आज का दिन तो मेरा मतलब एक भी पढ़ाई नहीं हो पाया, लेकिन कल से मैं कोशिश करूँगी ना कि मैं मॉर्निंग आवर में उठ के ही 3-4 घंटे की पढ़ाई कर लूँ। मैं ऐसा तो नहीं कह सकती कि मैं 5 से 7 घंटे की पढ़ाई करूँगी, लेकिन हाँ कोशिश ज़रूर करूँगी क्योंकि पता है कहीं ना कहीं मैं भी यही उम्मीद लगा के रख रही थी कि अभी जो है एग्ज़ाम डेट थोड़ा एक्सटेंड हो जाए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, ये जो कह देते हैं ना बीपीएससी वाले, वो कह देते हैं, इनको देख के ना मुझे अमिताभ बच्चन का वो डायलॉग याद आता है, कभी खुशी कभी गम वाला, कि कह दिया ना तो कह दिया। बस यही चीज़ इनके साथ है कि अगर ये कह देंगे कि 7 दिसंबर से एग्ज़ाम होना है तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए ये 7 दिसंबर से एग्ज़ाम ले के रहेंगे। इसके बाद सारी पैकिंग हमने कर ली थी और अब हम चले अपने घर, और घर जाएंगे तो फिर वहाँ पर जो भी होगा तिलक का प्रोसेस दूसरे दिन वो सब होगा। आप में से बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे कि दी आप रांची में कहाँ से हो, तो मैं रांची में टाटी सिल्वे से हूँ। और आप में से बहुत लोगों को टाटी सिल्वे के बारे में पता भी होगा क्योंकि वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर पड़ता है आयोन डिजिटल में, और बस उसी एग्ज़ाम सेंटर के आसपास मेरा घर है।
कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि रांची की हवाओं में ही खुशियां हैं। मतलब यहाँ आती हूँ ना तो लगता है कि अरे यार कितना अपना जगह है। मतलब ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा एक अपनापन वाला टच देती हैं जो कि मुझे बिहार में नहीं मिलता है। हो सकता है कि शायद मैं वहाँ 10-15 साल रहूँ तब वो फीलिंग आए, लेकिन अभी 1-2 साल में तो नहीं आती। और मैं झूठ क्यों कहूँगी, बहुत लोग कहते हैं कि आप अपने ससुराल को पसंद नहीं करते, बट ऐसा कोई बात नहीं, वो फीलिंग भी आनी चाहिए। आई मीन लाइक जिस जगह पे हम अपने ज़िंदगी के 25 से 30 साल निकाल देते हैं, उसका कंपैरिजन हम जहाँ 1-2 साल रह रहे हैं उससे तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं ना। और यहाँ पर ना बहुत सारी लेडीज़ लोग आई हुई थी घर में, और घर में ना अभी मतलब कार्यक्रम चलेगा, जो तिलक से पहले वो गीत वगैरह गाते हैं ना वो सब, तो ये सब ना भी गीत गाएंगे। और यहाँ पर देखिए ये मेरी मम्मी है, और मेरी मम्मी गीत गाने में बहुत तेज़ है। मतलब मम्मी को कोई हरा नहीं सकता है, और मम्मी किसी भी शादी में जाएगी ना तो कंपटीशन कर करके गीत गाएगी। मतलब अगर दूसरी औरत कोई अच्छा गीत गा रही है तो उससे ज़्यादा अच्छा मम्मी को गाना है, तो ये कंपटीशन मेरी मम्मी सबसे करती है। और ये हमारी भाभी है, और ये मैया है मेरी भाभी की बेटी, और इतनी प्यारी है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। ये सोच रही थी ना कि कौन लोग आ गए मेरे घर में इतने सारे, एकदम ये कंफ्यूज थी टोटली। और इसके बाद ना भाभी और दीदी ये दोनों मिलकर यहाँ पर लड़ुआ पार रहे थे। अब आप इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन बिहार और झारखंड में इसे लड़ुआ ही कहते हैं। ये चावल के आटे की बनाई जाती है, और ये 5 पीस हम लोग बनाते हैं, और इसमें कुछ किया जाता है शायद, ये तिलक में साथ भेजा जाता है। तो अभी ना इन लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, फिर इनको मैंने कहा ना कि अच्छे से बैठ जाओ, तुम लोगों का रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो देखिएगा अभी दोनों बिल्कुल अच्छे से बैठ जाएगी। ये जो ऑरेंज साड़ी में है, ये है मेरी बड़ी दीदी, और किसी दिन ना मैं आपको अपने पूरे फैमिली से मिलाऊंगी। अभी शादी की वजह से ना टाइम ही नहीं मिल रहा है कि मैं आपसे कुछ बहुत ज़्यादा शेयर करूं, लेकिन हाँ मैं शेयर ज़रूर करूंगी। और आप में से बहुत लोग कह रहे थे कि दी आप वीडियो शादी की ज़रूर डालिएगा, तो ऑफकोर्स मैं डालूंगी क्योंकि ये इतना अच्छा मोमेंट है, मतलब खुशियों वाला, तो क्यों नहीं इसे सबसे शेयर करना चाहिए। और ये है मेरा प्यारा सा घर जहाँ पर मेरा बचपन बीता है। को दुख हो रहा है, जाइए जाइए जाइए, रुको इधर से ले ले रहे हैं। आपको पता है मुझे अपनी बड़ी दीदी के शादी का ना कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि जब बड़ी दीदी की शादी हो रही थी ना तब मैं 10 साल की थी, और उस टाइम का मुझे कुछ भी याद नहीं है। और जो सेकंड वाली दीदी थी उनकी जब शादी हो रही थी तब मैं शायद 11th या 12th क्लास में होंगी, तो उनका शादी का भी मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है। और जो मेरे से बड़ी वाली दीदी हैं उनकी शादी जब हुई तब मैं ग्रेजुएशन में थी, तो उनकी शादी का मुझे थोड़ा बहुत तो याद है, और सबसे ज़्यादा मुझे अपनी शादी का याद है। मम्मी बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी कल, मतलब उनको लग रहा था कि मेरी 5 बेटी थी और सबके धीरे धीरे शादी हो गई, तो सब कोई चले गए एकदम से। अब मम्मी को लगता है ना कि मम्मी एकदम अकेले हो गई हैं। एक्चुअली आपको पता है मतलब हम लोग बहुत रिच बैकग्राउंड नहीं है हमारा, हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली हैं, तो हम जब 5 बहनें थे ना तो बहुत लोग ऐसे, मैं आपको समाज का क्या कहूँ, समाज एकदम पागल होता है, वो लोग ना हमेशा मतलब मम्मी को टेंशन देते रहता था कि तुम्हारी तो 5 बेटी है तो 5 बेटियों की शादी कैसे होगी, तुम तो गरीब हो तो फिर तुम्हारी बेटियों की शादी गरीब गरीब घर में होगी, पता नहीं क्या क्या। और आपको पता है मेरी मम्मी ने ना बहुत साल अपनी ज़िंदगी के केवल चिंता करने में ही गुजार दिए कि मेरी बेटियों की शादी कैसे होगी। सोचिए समाज कितना प्रेशर बनाता है, मतलब अगर किसी की लड़की है ना तो लड़की होना समाज के लिए बहुत टेंशन है। मेरी मम्मी और पापा के लिए तो टेंशन नहीं था, बट समाज को बड़ा टेंशन होता था हमारा। लेकिन हाँ मैं अपने पापा की एक बात कहूँगी, पापा हमेशा हमारे ऊपर गर्व करते थे और कहते थे कि मेरी बेटियों की चिंता नहीं करनी है किसी को भी, क्योंकि उनको ना भोलेनाथ देख रहे हैं। क्योंकि ना मेरे पापा जो है ना उन्होंने एक शंकर भगवान का मंदिर बनवाया है जो हमारा मोहल्ला है उसमें, तो वो हमेशा मंदिर में ही रहते थे, भगवान से बातें करते थे, पूजा करते थे, ऐसा उनका लाइफस्टाइल था। तो वो हमेशा कहते थे कि मेरी बेटियों की रक्षा भोलेनाथ कर रहे हैं। और ना इसीलिए हम भी ना शंकर भगवान पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा करते हैं, बिलीव करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने हमें लाइफ में ना बहुत ज़्यादा, हमारी लाइफ में तकलीफ दी थी, लेकिन हर तकलीफ से मतलब
ऊपर निकाला भगवान जी ने। और सारी बहनों की शादी ना इतने अच्छे अच्छे इंसान से हुई है, मतलब आप तो मेरे हस्बैंड को जानते ही होंगे कि वो कितने अच्छे हैं। सिर्फ मेरे ही हस्बैंड ऐसे नहीं हैं, मतलब बाकी दीदियों के भी हस्बैंड सपोर्टिंग, लविंग, केयरिंग सब कुछ है। मुझे पहले लगता था कि ये सब केवल टीवी में होता है, लेकिन जब वो हमारी असली ज़िंदगी में हो रहा है तब समझ में आता है कि नहीं यार, इतना लविंग केयरिंग हस्बैंड होता है असली में। और यहाँ पर सब लोग देखिए तिलक में पहुँच गए हैं, और ये हैं दूल्हे राजा, जो कि सच में बहुत हैंडसम लग रहे हैं। आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर ना भी तिलक का कार्यक्रम हो रहा है, और यहाँ पर भी बहुत अच्छा इनको लग रहा था, क्योंकि ये लोग कह रहे थे कि अरेंजमेंट बहुत अच्छा था और सब लोग बहुत ही वेल मैनर्ड। मतलब होता है ना कि आप कभी कभी जाइएगा लड़के वाले के घर में, तो वो लोग कभी कभी बहुत एटीट्यूड दिखाते हैं कि ये नहीं आया, वो नहीं आया, ऐसे नहीं आया, बट ये लोग नहीं हैं। ये लोग बहुत ही सीधे साधे और अच्छे परिवार के लोग हैं। इस बात की बहुत खुशी है मेरी कि क्योंकि ना देखिए, मुझे ऐसा लगता है ना कि इंसान अमीर रहे पैसों से और दिमाग से ना एकदम जो होता है ना एकदम बेसिक रहे। जैसे बहुत लोगों को देखिएगा कि पैसा आ जाने के बाद अजीब सा बिहेव करने लगते हैं, वियर्ड बिहेव, सारे रिलेटिव्स के सामने घमंड खाने लगते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, आप पैसा कमाइए, बहुत कमाइए, लेकिन आपका जो नेचर है उसको संभाल के रखिए, क्योंकि वही आपकी पहचान है। आपकी पहचान पैसा नहीं है। और जो लोग ऐसे होते हैं ना कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और कहीं ना कहीं मतलब मेरी जो फैमिली है वो इसी टाइप की है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। और अगर मैं फैमिली कह रही हूँ तो फैमिली में मेरी फैमिली में सब आ जाता है, मेरी दीदी के भी जो फैमिली मेम्बर्स है वो भी, और मेरे जो इन लॉज है वो भी, और मेरा जो मायका है वो भी। आपको ना मैं बिहार झारखंड की शादियों की थोड़ी थोड़ी झलकियाँ तो ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी प्रॉमिस किया था कि मैं जब भी शादी में जाऊंगी तो आपसे सब शेयर करूंगी कि क्या क्या होता है। तो अभी तो आज फर्स्ट डे था, तिलक था, तो आज ऐसा कुछ होता नहीं है बहुत खास। जो भी आज खास होता है ना वो लड़के वाले के घर पर होता है, लड़की वालों के घर में आज कुछ खास नहीं होता है। तो बस आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, अगर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर।